अनहेल्दीएस्ट फूड्स यानी कि विश्व में सबसे खराब खाना सब क्या क्या होता है ये सबको जानना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऐशावद। माई सेल्फ डॉक्टर सरोजनी। मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वर्ल्ड्स अनहेल्दीएस्ट फूड्स यानी कि विश्व में सबसे खराब खाना जो होता है, जो बहुत सारे बीमारियां एक आदमी का शरीर में कर सकता है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं वो सब अनहेल्दीएस्ट फूड्स। नंबर 1, पिज्जा। पिज्जा में बहुत सारे चीजें होते हैं और जिसमें रिफाइंड फ्लोर होने के साथ साथ ज्यादा शुगर होता है, यानी कि ये एक हाई कैलोरी फूड हो जाता है। इसमें बहुत सारे कलरिंग आइटम्स भी दिया जाता है, इसके कारण ये पिज्जा एक अनहेल्दी फूड हो जाता है, क्योंकि ये डायबिटीज करने के साथ साथ हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, हार्ट डिजीज और कैंसर भी कर सकता है। नंबर 2, शुगरी ड्रिंक्स यानी कि आप जो कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी बीवरेजेस ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा शुगर रहता है, और आप जानते हैं इसको खाने से ये एक हाई कैलोरी फूड होने के कारण बॉडी में ज़्यादा वेट गेन करवाता है, ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, डायबिटीज मेलाइटस और हार्ट डिजीज भी ये कर सकता है। इसलिए शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पीना है, इसको अगर संभव तो एवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड में ज़्यादा रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा होता है, इसके साथ शुगर भी ऐड करते हैं, इसलिए ये खाना शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। इसको खाने से डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया और हार्ट अटैक होने का संभावना होता है। नंबर 4, फ्रूट जूस। आप अगर फ्रूट जूस पी रहे हैं तो इसमें ओरिजिनल फ्रूट्स का जूस जितना नहीं होता है, इसको छोड़कर ज़्यादा शुगर होता है, और आप जूस पीने के साथ साथ ज़्यादा शुगर भी आपका शरीर को ले रहे हैं, और ज़्यादा शुगर अगर शरीर को नहीं चाहिए तो ये आपका शरीर में डिजीज कर सकता है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 5, आइसक्रीम। आइसक्रीम अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा शुगर होता है और ये एक हाई कैलोरी फूड होता है, इसको खाने से आपका शरीर में ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज होने के साथ साथ कैंसर भी हो सकता है। नंबर 6, फ्रेंच फ्राइज। अगर आप पटाटो यानी कि आलू खाना चाह रहे हैं तो इसको बॉयल कर कर खाइए, इसको अगर ऑयल फ्राई और डीप फ्राई कर कर आप इसको खा रहे हैं तो ये एक हाई कैलोरी फूड हो जाता है, इसको खाने से आपका शरीर में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसा डिजीजेस कर सकता है। नंबर 7, प्रोसेस्ड मीट और सॉसेस। आप अगर प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं तो ये आपका शरीर में बहुत सारे बीमारियां कर सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, कोलोन कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और फैटी लिवर, ये सब प्रॉब्लम ये कर सकता है। नंबर 8, पेस्ट्रीज, कुकीज एंड केक्स। अगर इसको आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका शरीर में बहुत सारे बीमारियां हो सकते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, कैंसर एंड हार्ट डिजीज। नंबर 9, प्रोसेस्ड चीज। अगर आप मार्केट से प्रोसेस्ड चीज लाकर ज़्यादा खा रहे हैं तो ये भी आपका शरीर में बहुत सारे बीमारियां कर सकता है। नंबर 10, हाई कैलोरी कॉफ़ी। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, अगर इसमें ज़्यादा शुगर या शुगरी सिरप डालकर इसको बना रहे हैं और आप इसको ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका शरीर में ये बाद में बहुत सारे बीमारियां कर सकता है, क्योंकि शुगरी कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी आपका शरीर को ज़्यादा कैलोरी जाता है और ये बाद में ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, फैटी लिवर करने के साथ साथ डायबिटीज, हार्ट डिजीज कर सकता है, और ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी आपका बोन लॉस यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस भी दिखाई दे सकता है। तो फिर दर्शकों, ये हैं 10 अनहेल्दीएस्ट फूड्स इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में सबसे खराब खाना, इसको आपको कम खाना है, नहीं तो एवॉइड करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब खाना खाने से तो टेस्टी होता है लेकिन इसका साइड इफेक्ट यानी कि हेल्थ हजार्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए जितना संभव आप इसको एवॉइड करना चाहिए ताकि आप डिजीज फ्री बहुत दिन तक रह सकेंगे, एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकेंगे। थैंक यू।